मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ बच्चों, तो मेरे वीडियो को आप सब ध्यान से देखिए। आज मेरा जो टॉपिक है वो है यूएनओ की विशिष्ट संस्थाएं। पिछले के वीडियो में हमने यूएनओ के अंगों के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता है कि यूएनओ के 6 अंग है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पांचवा न्यास परिषद और छठा है आपका सचिवालय। उसके अलावा उन 6 अंगों के अलावा भी यूएनओ के द्वारा अनेक स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण किया गया, ताकि ये संस्थाएं एक विशिष्ट क्षेत्र में विश्व परिदृश्य में काम कर सके विद्यार्थियों। तो देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। पहला आता है आपका खाद्य एवं कृषि संघ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि उपजों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो जो संगठन देखता है वो है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम इटली में स्थित है। एग्जाम के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों काफी लाभदायक है। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स जो संस्थाएं हैं और उनके जो मुख्यालय है वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम इटली में है। दूसरा आता है विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण या IAEA, ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वियना में है। और इसको याद करने की ट्रिक विद्यार्थियों यही है कि परमाणु जो होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों, विजयी होगा। क्या होगा, विजयी होगा। जिसके पास परमाणु है वो विजय होगा, और विजय से वियना बना है, विजय से क्या बना है, वियना बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है निशस्त्रीकरण, परमाणु जो बम बन रहे हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करती है, ठीक है। तीसरा आता है अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संस्थान या संगठन, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है, ये ध्यान रखना है। कृषि विकास से संगठन, यहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन है, यहाँ कृषि विकास कोष है, तो कृषि विकास कोष आ जाए तो रोम इटली करना है। और आपका देख लो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है, रोम इटली में है। तो IAFD और FAO दोनों का मुख्यालय रोम और इटली में स्थित है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ट्रिक यही है FAO और IAFD दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है विद्यार्थियों, रोम में है। जिसके पास परमाणु है वो विजयी होगा, विजय से वियना बना है। तो IAEA का मुख्यालय कहाँ पर होगा, वियना ऑस्ट्रिया में होगा। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी ट्रिप मैं आगे बता रही हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जो है उसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, कहाँ पर है, जिनेवा में है, ये आपको ध्यान रखना। FAO आ जाए तो रोम है, ILO आ जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट संस्थान है विद्यार्थियों यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र
शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन जो तीनों क्षेत्रों में कार्य करता है। इस संस्थान की स्थापना 1946 में हुई थी और इसके वर्तमान में 195 सदस्य है। यूनेस्को हमारी जो पुरातात्विक जो विरासत है उसको सुरक्षित करने का कार्य भी करता है और यूनेस्को के द्वारा विश्व में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं भी चलाई जाती है। उनमें से तीन परियोजनाएं सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। एक है आपका विश्व विरासत मिशन। विश्व विरासत मिशन में ये एक इंडिविजुअल जहां की विरासत प्राचीन काल से अब तक जिसने जिस विरासत को बनाए हुए हैं उनको चुनती है, हर साल उनको चुना जाता है। और आपको पता होना चाहिए अभी जो है पिछले साल ही हमारे जो जयपुर का परकोटा है उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो जगह है विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाती है, यूनेस्को की तरफ से उसको अनुदान दिया जाता है। तो विश्व विरासत का संरक्षण करने का उत्तरदायित्व भी यूनेस्को के पास है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में सांस्कृतिक धरोहर भी है, पुरातात्विक धरोहर भी है, कई धरोहरों को ये यूनेस्को शामिल करता है और अपने जयपुर के परकोटे को भी इसी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर आता है साहित्य का शहर। साहित्य विकास में भी यूनेस्को का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद है संरक्षित जैव मंडल, जहां पर जैव मंडल है, जैविक विभिन्नता है, उन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र में बांटने का कार्य भी यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। और विश्व जैव मंडल आरक्षित सूची में जो क्षेत्र आ जाता है उसकी देखभाल करने का उत्तरदायित्व भी यूनेस्को के पास आ जाता है। यूनेस्को ही उसकी पूरी सुविधाओं का देखभाल का जिम्मा उठाता है और विश्व में कई ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विद्यमान है। भारत में भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जैसे सुंदरवन का क्षेत्र, नीलगिरी का क्षेत्र, शांति वन जो कि केरल में स्थित है। कई ऐसी जगह है जिनको जैव मंडल आरक्षित सूची में शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है, यूनेस्को मतलब यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहाँ से है? फ्रांस से। यूनेस्को कहाँ से है? फ्रांस से। यूनिफॉर्म कहाँ से है? फ्रांस से। याद करने का तरीका यही है, क्योंकि विद्यार्थियों यूनेस्को और यूनिसेफ में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है, लगता है दोनों एक ही है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना यूनेस्को, यूनेस्को का मतलब यहाँ पर है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनेस्को यूनिफॉर्म, फॉर्म से बना है फ्रांस, फ्रॉम से बना है फ्रांस। ये जीके ट्रिक्स आपको याद करनी ही होगी, तभी आप यूनिसेफ और यूनेस्को में फर्क में कर पाओगे। और ध्यान रखना जहाँ जैव मंडल को आरक्षित करता है, जो साहित्य जो हमारी विश्व विरासत की संरक्षण करता है उसका मुख्यालय फ्रांस में है, और जहाँ बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाया जाता है, बाल विकास कोष है, वो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका जिनेवा में है। ध्यान रखना बाल विकास के लिए आए तो जिनेवा करना है, विश्व विरासत सांस्कृतिक और शैक्षणिक और वैज्ञानिक उन्नयन की बात आए वहां पर आपको फ्रांस करना है विद्यार्थियों। तो यूनेस्को फ्रांस, यूनिफॉर्म फ्रांस, जबकि यूनिसेफ जिनेवा, ये इसको याद करने का तरीका है। फिर आता है विद्यार्थियों WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपने देखा था ILO का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में है।
WHO का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसकी ट्रिक मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद आता है विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो आपका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क सिटी में है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना यूएनओ के द्वारा 1965 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सबसे बड़ी महत्ता ये है विद्यार्थियों कि ये HDR को जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका रेटिंग है उसको जारी करती है। मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा आय, इन सब को आधार मानकर विश्व राष्ट्रों की एक रैंकिंग निर्धारित करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स जारी करता है वो कौन करता है विद्यार्थियों? वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में है जो पेटेंट के नियमों को निर्धारित करता है, व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे किया जाएगा, इसका निर्धारण करने का कार्य विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करता है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है विद्यार्थियों। उसके बाद आता है विद्यार्थियों IMF। IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें विद्यार्थियों तो उसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और इसी की एक बहन है विद्यार्थियों जिसका नाम है WB, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय ध्यान रखना है वाशिंगटन DC में है। ध्यान रखना है वाशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक और IMF का। दोनों की स्थापना 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 में की गई थी और ये दोनों ही विश्व राष्ट्रों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना IMF अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है जबकि वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना WB, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी जो संस्थाएं हैं वो अमेरिकन निर्देशों के आधार पर कार्य करती है और हमारे भारत ने भी वर्ल्ड बैंक से उधार लिया हुआ है। तो ध्यान रखना IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IAFD और FAO का मुख्यालय रोम में है, वियना विजय से बना है, IAE का मुख्यालय है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आता है WMO, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय भी कहां पर है? जिनेवा में है। इसकी बात भी हम आगे की GK ट्रिक्स में करेंगे तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय भी कहां पर होगा? रोम में ही होगा। तो यहां पर इसमें एक और ऐड कर लीजिए विद्यार्थियों WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय भी रोम इटली में है। फिर आता है WTO। WTO यहां पर है विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मद्रिद स्पेन में स्थित है। कहां पर है ये अलग है, इनको याद रखना ही होगा आपको। विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मद्रिद स्पेन में स्थित है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष। इस यूनिसेफ का मुख्यालय जिनेवा में है, ध्यान रखना है। फिर है यूनिडो। यूनिडो यहाँ पर क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास में कार्य करता है, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो ध्यान रखना जहां पर विजय होगा
तभी होगा जब परमाणु बम होगा जहां पर व्यापार होगा। तो इन दोनों का संगठन वियना ऑस्ट्रिया में है। ध्यान रखने की बात है विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा एजेंसी और आपने देखा यूनिडो, यूनिडो इन दोनों का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों यूपीयू, यूपीयू, यूपीयू का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनिवर्सल पोस्टल जो आपका विश्व डाक संघ है, विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस तरीके से आपने ये सारे यूएनओ की संस्थाओं के बारे में सुना विद्यार्थियों। एक बार और देख लीजिए, एफएओ और आईएएफडी का मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और यूनिडो मतलब उद्योगों का विकास और आपके परमाणु वियना ऑस्ट्रिया में है। नागर विमान मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कृषि विकास कोष पढ़ ही लिया। श्रम संगठन का जिनेवा में है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रखना है व्यापारी के लिए जानलेवा है, जिनेवा से बना है जानलेवा, जिनेवा से बना है जानलेवा। तो जानलेवा व्यापारी के लिए जानलेवा है व्यापार करना। क्यों है? ध्यान रखना है मौसम खराब रहता है, श्रम ज्यादा करता है कौन, और स्वास्थ्य क्या करता है, स्वास्थ्य उसका क्या रहता है, खराब रहता है। इसके लिए वो उसके लिए क्या है, जानलेवा है। क्यों? इसीलिए श्रम का मतलब हो गया आईएलओ, वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी कहां पर है, जिनेवा में है। इसके अलावा मौसम का भी कहां पर है, जिनेवा में। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी कहां पर है, जिनेवा में। इसके अलावा डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय भी कहां पर है, जिनेवा में है, ठीक है। और व्यापारी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी कहां पर है, जिनेवा में है। तो जिनेवा के जितने भी संस्थान हैं इनको याद करने की यही ट्रिक है, व्यापारी के लिए जानलेवा है क्योंकि व्यापारी श्रम करता है, व्यापारी का स्वास्थ्य खराब रहता है क्योंकि मौसम खराब है, और जब स्वास्थ्य खराब है तो वो जानलेवा होता है। इस ट्रिक के आधार पर आप जिनेवा में स्थित संस्थानों के नाम ज्ञात कर सकते हैं। और व्यापारी और आपका यूनिसेफ का भी ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। तो आज आपने अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो कि यूएनओ के निर्देशन में कार्य करती है उन सब के बारे में सुना। आगे भी मैं आपके लिए जीके ट्रिक्स लाती रहूंगी और जीके ट्रिक्स के माध्यम से आगे के टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप इसके लिए मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी आप सबको करवा सकूं और आप अवश्य सफल होंगे। बस नियमित अध्ययन करते जाइए, 9 या 10 घंटे पढ़िए, आप अवश्य सफलता हासिल करेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।